देख कर मरहब के टुकड़े बोली मरहब की बहन, जिसने मारा है तुझे वो जबान की बात है। आइए हजरात, ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं, कोई चक्की चलाता है, कोई झूला झुलाता है, क्या क्या मिसरे क़यामत के कह दिए साहब आपने, बहुत उमदा आपने जो है अपनी सरजमीन की नुमाइंदगी की। अंसर साहब बैठे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ बीच बीच में जिक्र होता रहे, इनका एक मिसरा जलालपुर में हुआ था, आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी। एक मतला और एक शेर सुनिए। अच्छा, उस महफिल का कमाल ये है कि महफिल जलालपुर में हुई और शेर पूरे हिंदुस्तान में कहे गए। हम जिस शायर को कहिए, कहता साहब इस मिसरे पे शेर कहा, हर जगह जाइए, ये देखिए बरकती मिसरे कहते हैं। मैं एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ। मजलिस से फातिमा, फातिमा तेरे जाने के बाद, जाने के बाद, अब मैं चाहता हूं कि अपनी निजामत की बयाज का वरख पलटा जाए और पहला शायर बाकायदा मेहमान शायर पेश कर दिया जाए। शौकत भाई, अब यहां से जश्न महफूज भाई शुरू हो जाए और लगे भाई तिगराने के जश्न शुरू हो गया, जश्न अहले बैत। शायर ऐसा पेश करने जा रहा हूं और पूरे तेवर के साथ इंशाल्लाह जश्न यहां से शुरू होगा। मजलिस से फातिमा तेरे जाने के बाद भी बैठा है अर्श फर्श उठाने के बाद भी। मजलिस से फातिमा तेरे जाने के बाद भी, मजलिस से फातिमा तेरे जाने के बाद भी बैठा है यार फर्श उठाने के बाद भी। खिदमत से जीन भरा ना भी जिब्राइल का, खिदमत से जी भरा ना भी जिब्राइल का, चक्की चलाने झूला झुलाने के बाद भी। खिदमत से जी भरा ना भी जिब्राइल का, चक्की चलाने झूला झुलाने के बाद भी। इन चार मिसरों के बाद एक ऐसा शायर, कसम खुदा की, समेटो तो साहर फैलाओ तो सागर, यानी उर्दू में सागर कह दीजिए तो पूरे गदीर का मजा, और अगर सागर कह दीजिए तो जमुना पार। एक ऐसा शायर पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, कसम खुदा की जहां जहां ये नहीं पहुंचे हैं वहां वहां इनकी आवाज पहुंच चुकी है। जनाबे सागर बनारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारा हैदरी, जश्न शुरू हो रहा है। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए, एक मतला दो तीन शेर पढ़ के देखता हूँ कि आप क्या सुनते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक बिल्कुल नई मनकबत पढ़ूंगा, पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। देखिएगा, अभी एक मिसरा कोपागंज में हुआ था कि फर्शे अज़ा पे रखा है मिंबर गदीर का, फर्शे अज़ा पे रखा है मिंबर गदीर का। थोड़ा सा देखिए आप जो हुआ हुआ, आप थोड़ा महफिल बनाइए तो हम लोग और मेहनत करें। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। कद हो गया महफिल तो हो रही है, अब आप बिल्कुल सुनिए। कद हो गया है अर्श से कि कद हो गया है अर्श से
बस यही 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 मैं चाहता था कि आप के हाथ में अभी है कि आप अपनी महफिल यादगार कर सके। बिल्कुल बिल्कुल संकोच में मत रहिए। कद हो गया है अर्श से बढ़कर गदीर का, मुमकिन नहीं झुका दे कोई सर गदीर का। वो दुश्मने हुसैन है, हैरत की बात क्या। वो दुश्मने हुसैन है, वो दुश्मने हुसैन है, हैरत की बात क्या। उतरा है इनके सीने में खंजर गदीर का, खंजर गदीर का। उसके किए गुनाह की फौरन मिली सजा, उसके किए गुनाह की। अगर आप भी शिरकत करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके किए गुनाह की, उसके किए गुनाह की फौरन मिली सजा। हारिस ना भूल पाएगा महशर गदीर का। हारिस ना भूल पाएगा महशर गदीर का। और अब ये एक शेर शिरकत चाहता हूँ, पेश करता हूँ मुलाज़िम फरमाए, शायद किसी लायक हो। रूहे रसूल कहती थी आबिद से शाम में, रूहे रसूल कहती थी, रूहे रसूल कहती थी आबिद से शाम में, दुश्मन से बढ़ के छीन लो मिंबर।
दुश्मन से बढ़ के छीन लो मिंबर गदीर का, दुश्मन से बढ़ के छीन लो और अहले अजाने आज भी भूली नहीं गदीर, फर्शे अजा पे रखा है मिंबर गदीर का, चंद अशआर बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा तरीन है, मैं हाजिर करना चाहता हूँ यहीं से, देखिएगा शायद किसी लायक मतलब पेश करता हूँ। दीन पर हो के जो कुर्बान चला जाता है, दीन पर हो के जो कुर्बान चला चला जाता है छोड़ कर अपनी वो पहचान, चला जाता है। अब यहां से एक शेर पेश करता हूं, देखिएगा कि दीन पर दीन पर हो के जो कुर्बान चला जाता है छोड़ कर अपनी वो पहचान,
चला जाता है जिस जगह होती जिस दिन पर हो के जो कुर्बान चला जाता है छोड़ कर अपनी वो पहचान चला जाता है और वो कोई नहीं खूने अबू तालिब है और वो कोई नहीं खूने अबू तालिब है चला जाता है बुलंद तरीन सलवात पढ़े हजरत कुल्ले ईमान के भी बाप अबू तालिब है कुल्ले ईमान के भी बाप अबू तालिब है इनको अबू तालिब है इनको ना मानो तो ईमान चला जाता है। अब एक शेर शायद आपको पसंद आए, पेश करता हूं मुलाजम फरमाए। हम आजादार है जहरा की निगहबानी में है कि नहीं, हम आजादार है सहरा की निगहबानी में हमसे रुख मोड़ के तूफान चला जाता है हम आजादार है जहरा की निगहबानी में हम आजादार है जहरा की निगहबानी में जिस जगह होती हम आजादार है जहरा की निगहबानी में हमसे रुख चला जाता है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हजरत हमसे रुख मोड़ के तूफान चला जाता है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े हजरत अय्याम अज़ा बिल्कुल करीब है, एक मतलब चंद अशआर हाजिर करता हूँ पूरी मेहनत के साथ पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए। सजा दो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता सजा दो चाहे जितना भी सजा दो चाहे जितना
चीज से तो घर अच्छा नहीं लगता ना हो सकी मजलिस तो ना हो शबीर की मजलिस तो घर अच्छा नहीं लगता। फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए। उधर है महफिले है दर इधर अच्छा है महफिले है दर इधर अच्छा नहीं लगता। फराजे दार से मीसम यही पैगाम देते हैं, फराजे दार से मीसम यही पैगाम देते हैं। अली के चाहने वालों में डर, देखिए मेरी तरफ से कोई जहां तक मैं समझ रहा हूं कोताही नहीं है पढ़ाई। फराजे दार से मीसम यही पैगाम देते हैं, अली के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। सजदे में सर अच्छा नहीं लगता, सजदे में सर सदा देती है ये मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है बिना हुपे अली सजदे में सर अच्छा नहीं लगता। जनाबे शेख जब कर्बो बला हो कर नहीं आते, जनाबे शेख जब कर्बो बला होकर नहीं आते, जनाबे शेख जब कर्बो बला होकर नहीं आते, नबी को भी मदीने का सफर अच्छा अच्छा नहीं लगता। नबी को मदीने का सफर अच्छा नहीं लगता। फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर। देखिए आप नहीं सुनेंगे तो मैं एक कलाम और पढ़ूंगा जी। सजा दो चाहे जी।
इतना भी मगर अच्छा नहीं लगता ना हो शबीर की मजलिस तो घर अच्छा नहीं लगता ना हो शबीर की मजलिस तो घर अच्छा नहीं लगता फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता शिरकत चाहता हूं पेश करता हूं मुराज वर्मा कहां सज्जा देने दरबार में शाम के हाकिम मेरे दादा का मिंबर है उतर अच्छा नहीं लगता मेरे है दर सज्जाद ने दरबार में ऐ शाम के हाकिम मेरे दादा का मिंबर है उतर अच्छा नहीं लगता।